बाथरूम में तेरे साथ उज्जैन मुझे पहुंचे अस्थान करता हूँ जैन बहुत सहेब वैष्णव हर कोई ये युवा भूमि से जन्मत है जैन बौद्ध साहेब वैष्णव हर कोई के हिमा भूम से जन्मल है और रजगण के सिर माथे भय के तब मात भूम गए जब बोले माथे का ढेर ढेर चढ़ैले हैं माथे का ढेर चढ़ैले हैं हम जब भी माता हमें बुलैले हैं आजाद रह या हम मर जाए एक मन से ही दोहरैले मुक्त गगन है कौन है अब मुक्त सांस गर्वीली है अब कोट कोट कंठन से निकल बंदे मातरम तो बोली है वाह 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 ही मैं अर्जुन के जगह अगर यह बात रुस्तम के आप बिठा ले मैं भीम अर्जुन के जगह अगर यह रुस्तम के आप बिठा ले मैं अब सब लोगों के बीच में रहने का आपन हाथ उठा पाई मैं का विधर्मी का मनसबी पढ़ के का विधर्मी का मनसबी पढ़ के हो जाए मैं इतना मस्त मगन कि अपने हाथ से देवे एक रामायण गीता दिव्य रतन हम जन्म जात अभिमानी हैं हम जन्म जात अभिमानी हैं मत समझ कि भाल झुका देवे कितनो मांगा मिले विजय पर हम शीशन से मोल झुका दे मरना तो वस्त्र बदलना है मरना तो वस्त्र बदलना है भगवत गीता हमें सिखावे ला ई देशवा में हर वीरवर्ती हर छत्री बस 18 बरिस ही लिए आला कहती इस बात अत्याचारी भ्रष्टाचारी दुष्टन का अब तक सम्मान न होई और कभी निर्भया ऐसा अबला कोई कोई दोबारा कुचल कुर्बान न होई अभी सहिदन के धरती पर हम भारत मां का अपमान न सब है अकुलती राज के धरती पर अब हम जयचंद्र के सम्मान न करवाए माँ बहन का कतहु लूटल जा माँ बहन कतहु लूटल जाई हैं इस धरती पर ना हो ही अपमान और राम और शिवाजी अहियाँ सुन के हम सब कर आवान और जननी जन्मभूमि के वेदी पर कर्म धम कर देई कुर्बान जाता है ये भारत के संतान कब तक सब माँ का अपमान भगत सिंह बिस्मिल आजाद के भगत सिंह बिस्मिल आजाद के भारत का कब ले हो ही उत्थान का इन सब का बेकार में जाई वीर मुखर्जी के बनता गैया गंगा है भारत का गायत्री हम सब कहे भी इनके माई अर्पण तर्पण और समर्पण वह तरणी पार कर आवे री माई बधिकशाला में अभी ना जई है बधिकशाला में अब ना जई है अब कटवैया ही काटल जई है बधिकशाला ये बहुत पुरानी कविता है ये जान रहे हैं 93-94 की कविता है आज के समाज में दहेज के बवाल बा यही नाते बिटियन के ससुराल में बड़ा बुरा हाल बा उस समय जब पेपर में रोज निकलता था बड़ा लड़की जला दी गई और धीरे धीरे कम हुआ है अब तो बहुएं जला रही है सब उल्टा आज के समाज में दहेज के बवाल बा यही नाते बिटियन के ससुराल में बड़ा बुरा हाल बा पहले के लोग बड़े शौक से जौन देत रहना उपहार बड़े बड़े लोग जो उपहार देते अब जिसके खाने पीने नहीं लोग मोटरसाइकिल चाहिए पहले कहा जाता था घड़ी रेडियो बाजा यह चलता था पहले सबके दो चार पहिया चाहिए पहले के लोग बड़े शौक से जौन देत रहना उपहार वह उपहार बिटियन खातिर बनल बना रख के द्वार शादी से पहले आ गई सामानन के लिए शादी से पहले तय हो जाता ही चाहिए शादी से पहले आ गई सामानन के लिस्ट एक को अगर ना मिले एक को अगर ना घट गए तो कोई बड़ा निष्ठ टीवी फ्रिज कूलर सोफा इतने चाहिए उपहार में एकरा खातिर लड़की वाला चाहे भी जाए बाजार में सब मिलल ऊपे ना ही बा छुटकारा शादी से पहले आ सकेला दोनों मांग दोबारा सही मीडिया के ब्याह में दहेज एक बुराई बा अब बेटवा में मिलत बा ऐसे ही कमाई बा समाज में लोगन के अजबा ख्याल बा देवे के पड़े तो ये गवाल बा कहे पीसी ए भैया न ले न दे यही में अच्छाई बा दहेज रूपी बीमारी के विरोध करा यह सच्चाई बा
से लेके गिरा जमीन पर झटका मारते है सूखा हुआ था लेके गिर गया खो खो पिट पिट करके उसने जो ही दांत बजाया तभी बंदरों का समूह झटपट उसे उठाया टाइम के उसको भालू डॉक्टर के क्लिनिक पर लाए और कमर पकड़कर बंदर अपनी बाप बाप चिल्लाए नर्स लोमड़ी दर्द की गोली फौरन उसे खिलाई अपने हाथों ही गिलास से पानी उसे पिलाई डॉक्टर भालू बोला एक्सरे इनकी अभी कराएं और एक माह तक दवा हमारी प्रतिदिन इन्हें खिलाएं उठा के बंदर को सब एक्सरे टेबल पर ले आए काला कौवा चोंच से अपने एक्सरे बटन दबाए अच्छा देख एक्सरे भालू बोला टूटी कमर की हड्डी चढ़ा दिया कूल्हे पर उसके प्लास्टर की गड्डी अच्छा। बंदर की सुनहार भेड़िया के भेड़िया खतरनाक होता है लेकिन आत्मीयत जाग गई बंदर की सुनहाल भेड़िया उसे देखने आया नरमी गोली में गुजरा कर बंदर को समझाया धमा चौकड़ी पेड़ के ऊपर कभी नहीं तुम करना वरना ऐसी शैतानी से पड़ जाएगा मरना हाथ जोड़ बंदर बोला पैसा नहीं करूंगा आप बड़ों की बातों को जीवन में ओढ़नी बचाई के ना बहले चौआई बेरिया ओढ़नी न उड़ जाए ठहर ठहर काटा बाटे ओह में ना अजुराए रखिए अपन गठरिया जतन से छिपाई के ओढ़नी बचाई के ना माई दादा बड़े जपन से तुमके पलले पोसले भैया स्कूल वाले जाई नाव तुहार लिखौले घर कहू रोशनी रखी है घर सजाई के ओढ़नी बचाई के ना घर के अजरे पजरे लड़के निपड़ने रह जाए समय निकाल के दुई अक्षर उनहू के दिया सिखाए रखिया खानदान के अपने मान बढ़ाई के ओढ़नी बचाई के ना ये आखिरी आशीर्वाद है रखिया तू हउ भारत के बेटी मर्यादा में रहिया तू हउ भारत के बेटी मर्यादा में रहिया प्रोफेसर वकील डॉक्टर जज कलेक्टर बनिया अपने खानदान के रखिया मान बढ़ाई के ओढ़नी बचाई के ना अब एक कविता छोटी सी ये भी शिक्षा प्रद कविता है चूंकि देखा लाइन बड़ा भारी आगे देखा पीछे देखा लाइन बड़ा भारी बा भीड़ से आवाज आई बहुत ज्यादा भीड़ गई आगे देखा पीछे देखा लाइन बड़ा भारी बा भीड़ से आवाज आई बहुत ज्यादा बेरोजगारी बा 1000 सीट पे लाखों का दावेदारी 1000 सीट पर लाखों का दावेदारी रिटर्न जब निकल गए इंटरव्यू के बाद 1000 सीट पर लाखों का दावेदारी रिटर्न जब निकल गए इंटरव्यू के जायारी पैसा और जुगाड़ का चलत बा खेल बड़े बड़े बाहुबली के आवे लगल में प्रत्याशी बेचारे मेहनत करें कल का पूछल जाई प्रत्याशी बेचारे मेहनत करे कल का पूछल जाई अंदर मचा हुआ है सीटन के बंटवारा अंदर बवाल मचा है सीटों के बंटवारा 10 बजे का इंटरव्यू सुबह से लगल भीड़ 10 बजे का इंटरव्यू सुबह से लगल भीड़ सबको है नौकरी की बहुत ज्यादा नींद मैंने फॉरवर्ड कर दिया है सब यहाँ हो कि कह रहा हूँ उनका फोन से मैं नहीं करूँगा वाह 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 बहुत सुंदर मैं कविता सुना के आगे
मैंने उत्तर वंदे भारत मातरम से मैं इस अनुदान हूँ, इससे पूर्व वंदे मातरम की पुस्तक में मैं मंच पर उपस्थित कर रहा हूँ। इंटरव्यू जारी बा 12 बजे परीक्षा करने इंटरव्यू जारी बा। अंदर से आवत प्रत्याशी से हम पूछ ली एगो सवाल, अंदर से आवत प्रत्याशी से हम पूछ ली एगो सवाल, का हो भैया कैसन रहल कैसन बा तुम्हारा हाल, हम तो निपट आएगी जा तुहरो बारी बा, बाकी कुछ ना हुई यहाँ बहुत महामारी बा, सुबह से शाम हो गई अंदर बाहर जारी बा, कहे पीसीए भैया नौकरी सरकारी बा, अंदर से जब बाहर आएगी मन में आए विचार, भ्रष्टाचारी के आगे सब मेहनत रहल बेकार, शाम के रिजल्ट जब भइल आउट, आपन आपन नाम देखे के मचल बहुत साउट, रिजल्ट देख के सबके मन में आए एगो डाउट, जुगाड़ वाले मौत करें मेहनत वाले भैन आउट, बस अभी आपके सामने मैं मंचासी सभी उपस्थित लोगों को और लोगों का आभार व्यक्त करती करते हुए अपनी कविता पाठ प्रारंभ करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति। प्रकृति से सीखो तुम पल पल जीने की कला, प्रकृति से सीखो तुम पल पल जीने की कला, नदियों से सीखो तुम मत जीवन में रुकना, नदियों से सीखो तुम मत जीवन में रुकना, लहरों से सीखो तुम गिर कर फिर से चलना, नहीं लहरों से सीखो तुम गिर के उठ कर चलना, लहरों से सीखो तुम गिर के उठ कर चलना, प्रकृति से सीखो तुम पल पल जीने की कला। भोजपुरी में सुना है, पेड़वा कटा तगाम गाँव, पेड़वा कटा तगाम गाँव, मोहन हो तनी दिया के छान, पेड़वा कटा तगाम गाँव, मोहन हो तनी दिया के छान, निबियक छावा में शीतल बेरिया, जियरा जुड़ैया ला बैठ दुपहरिया, बोले लकाग कव कौ, बोले लकाग कव कौ, मोहल हो तनिबिया के छा, निबियक दतुअनी जब से छूटल दर्द मसुड़वा में तब से बाढ़ल, खोजी ली जाके आन गाँव, खोजी ली जाके आन गाँव, मोहल हो तनिबिया के छा। आप बेहया बढ़िया देखिए फर्द बेहया भोगवादी संस्कृति है, भोगवादी संस्कृति है, आक्रोश युक्त, यहाँ क्रोशक की बात हो रही है, पर्यावरण भोगवादी संस्कृति है, आक्रोश युक्त अदूर दर्शी, भोगवादी संस्कृति है, आक्रोश युक्त अदूर दर्शी, विवेक शून्य,
शब्दों में भाव कहाँ, शब्द जाल, शब्दों में भाव कहाँ, वाक जाल मात्र है। पार्श्विक सोच पखाओ की ईट ढिंगर भी मेरी, शब्दों में भाव कहाँ, वाक जाल मात्र है। पार्श्विक सोच पार्श्विक कर्म परमार्श नाम कहाँ, परमार्श नाम नाम कहाँ। मानो चट्टान बना, मानो चट्टान बना कौवा शून्य, असली चेहरा कहाँ। मानो विज्ञापन बना, मानो विज्ञापन बना हृदय शून्य भाव। ज्ञान के सरोवरों में एक छंद, ज्ञान के सरोवरों में गंदगी जमी हुई है, ज्ञान के सरोवरों में गंदगी जमी हुई है। दोस्तों उन्हें उली चने का वक्त आ गया, ज्ञान के सरोवरों में गंदगी जमी हुई है। दोस्तों उन्हें उली चने का वक्त आ गया। केसर की क्यारी में, केसर की क्यारी में उग्र प्रकृति, प्रकृति प्रेमी पग पग पर पेड़ लगाई के धरती मैया के हरियाली से सजा रहे। बहुत सुंदर। प्रकृति प्रेमी पग पग पर पेड़ लगाई के धरती मैया के हरियाली से सजावे ले। ठीक। तुलसी नीम बरगद पीपल विद्वत इनिकरा से असीम अनंत ऑक्सीजन पावे ले। हर साल 5 अरब उन दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं हमने, तो नजर नजर केवल गम ही देखे। आप ऐसी तासीर कहां पे पाए हैं जनाब, आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे। आज की गोष्ठी में उपस्थित सादर आप सभी को प्रणाम, और मेरी एक रचना है भोजपुरी। गर्मी में गर्मी न हरगिज बढ़ावा, गर्मी में गर्मी न हरगिज बढ़ावा, पेड़ पौधा लगावा पर्यावरण बचावा, पेड़ पौधा लगावा पर्यावरण बचावा। हरा भरा वातावरण के बनावा, हरा भरा वातावरण के बनावा, पेड़ पौधा लगावा पर्यावरण बचावा। वृक्ष बिलखते कब कट जाए और बने, ये वृक्ष की दर्द है इसलिए मैं कहना चाह रहा था, तो बने इमारत ऊंची ऊंची, बने इमारत ऊंची ऊंची, नीर नहीं जब चढ़ पाए, यंत्र तंत्र से कर्षित होकर, इंजन से यंत्र तंत्र से कर्षित होकर, तब जल संतुलन बिगड़ जाए, नभ में धुआं धुआं सा छाए, विकट दृश्यता तब हो जाए, कर्कस ध्वनि हो आपसे निवेदन है कि कुछ अपना विचार पर्यावरण को नहीं। पर्यावरण की व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। पर्यावरण दो शब्दों से बना है, परि धन आवरण,
परिमाने चारों तरफ आवरण माने ढका हुआ है अर्थात घेरा हुआ, तो पूरी जो पृथ्वी है हम लोग जो है पूरा वायुमंडल से ढके हुए हैं। रह गया सवाल कि अब एक तो है पर्यावरण, एक है प्रदूषण। गोरखनाथ गोरखपुर के तत्वावधान में दूसरे चरण में जो कवि गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे थे जिन्होंने अपने यहाँ पाइप जोड़ करके उसमें बोरिंग में और उस पर पानी डालने का काम लोगों ने किया। बाकी पूरा मोहल्ला यह तमाशा देखता रहा कि यह काम मेरा थोड़ी ना है, यह तो ठेकेदार का काम है, ठेकेदार पैसा लिया है, वह इस पर जो है पानी डाले और बाकी चीज करे, तो ठेकेदार बिगाड़ने के हमारा काम बनाने चलेंगे हम, उस सड़क का उपयोग करेंगे हम, सड़क मजबूत होगी तो ज्यादा समय तक चलेगी, लेकिन जो है इन चीजों पर लोगों की निगाह नहीं। पहला उसमें सिर्फ सरकार कुछ नहीं करती, दूसरा सामाजिक है, तीसरा सरकारी है। आजकल सरकार बैठा दे रहे हैं सामाजिक सरकार कर रही है। आप ये थोड़ी झलक दी है कि जो आप घर से निकले तो झोला लेकर के झलक है, ऐसा व्यक्तिगत प्रयास का झलक ऐसा है कि हर काम सरकार के सहारे नहीं, यही हो ही रहा या संसद के संसद काम हमारे को ऐसा है कि सरकार ने बड़ा अच्छा कहा पल्ला झाड़ लेना कि हमारा कोई नागरिक दायित्व नहीं। मैं बताऊंगा आपसे, मेरे मोहल्ले में सड़क बन गई थी, ये जो है सीमेंटेड सड़क।